देश भर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी है। ऐसे में बड़े शहर जो हैं, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, इसके अलावा दिल्ली हो, वहाँ से जो यात्री हैं अपने शहर के लिए, उत्तर प्रदेश बिहार के लिए निकल चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि चाहे रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, वहाँ पर यात्रियों की जो मौजूदगी है वो देखी जा रही है। हम इस समय वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर हैं और वहाँ पर भी जो यात्री हैं अपने शहर के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, और अपने पूरे परिवार के साथ। निश्चित ही इस पर्व की अनेक जो मान्यताएँ हैं वो हैं और लोगों में इसको लेकर एक अलग ही उत्साह होता है। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आनंद विहार से आ रहा हूँ। यानी दिल्ली से आ रहे हैं। उद्देश्य पर्व ही है, छठ पर्व ही है? हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। पूरे साल इंतजार रहता है, काफी खुशियां रहती हैं। एक सवाल ये है कि बड़ी बड़ी ट्रेनें, कहा गया था, वादा किया गया था, दावा किया गया था, ट्रेनें चलाई गई थी, इंतजाम सब ठीक ठाक था? इंतजाम ठीक था जी। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं थी। भीड़ तो चली रही है, लोग अपने गाँव के लिए भाग रहे हैं तो भीड़ तो चली रही है। हाँ, तो लेकिन व्यवस्थाएं ठीक है अंदर। ये भी तस्वीरें आ रही हैं कि कुछ लोग बाथरूम में, कुछ लोग सीट के नीचे कैसे कैसे बैठ के। भीड़ है तो जब व्यवस्थाएं इतनी नहीं हैं तो लोग कैसे भी करके अपने घर के ओर भाग रहे हैं कि पर्व मनाएंगे हम, त्यौहार है तो जाना ही है, कैसे भी जाना है। बिल्कुल, देखिए यही छठ पर्व का उत्साह होता है कि चाहे किसी भी तरह से हमें अपने घर पहुंचना है। और आप देखिए कि छोटी बच्ची भी है, परिवार के बाकी सदस्य भी हैं, और साल भर जो भी लोगों का कामकाज हो उसको एक तरफ रखते हुए इस महापर्व पर लोग पहुँचते हैं। तैयारियाँ पूरी है, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मंजिल तक पहुँच गए। बहुत है, बहुत है, बहुत है। क्या कहेंगे, कैसे मनाएंगे इस बार छठ पर्व? बिल्कुल जैसे हर साल बनाए वैसे इस बार भी मनाए। छठ में ही आते हैं घर पे? बिल्कुल, छठ में बिल्कुल इंतजार रहता है, 4 महीने पहले टिकट करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए 4 महीने पहले करा? बिल्कुल 4 महीने पहले। अच्छा, तो ये बताइए बैठने में या ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं? सीट कंफर्म थी तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। जिनकी सीट ही नहीं है उनके लिए तो दिक्कत है, पूरे बोगी में भरे रहते हैं लोग, ये सब है। अच्छा, आपके जो बोगी थी उसमें लोग भरे थे, भीड़ थी? भीड़ थी भरपूर, खचाखच भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जो अपनी सीट पर बैठ गया कि ये मेरी सीट है, बस मेरी सीट खाली कर दो भाई, बस ऐसे। लेकिन जद्दोजहद? हाँ, जद्दोजहद तो है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है। मतलब अतिरिक्त जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसका असर है उसका कुछ? नहीं सर, इतनी भीड़ है, सब लोग बाहर ही हैं, जो भी है यहाँ के लोग, दिल्ली मुंबई यहीं पे हैं, और सबको छठ पे ऐसा त्यौहार है कि हाँ आना ही आना है, चाहे टिकट मिले या ना मिले। आप भी दिल्ली से? बिल्कुल दिल्ली। बाबा आप भी दिल्ली से? हाँ, ये हमारे बच्चे हैं। आप लोग, क्या स्थिति थी ट्रेन में? बहुत बुरा हाल था, बुरा हाल था। आपको लगा भीड़ बहुत ही, कुतब खड़े खड़े, बहुत से लोग तो खड़े खड़े दिल्ली से यहाँ तक आ गए, बैठने की भी जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं। कहा तो जा रहा है कि बड़ी, बहुत ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्पेशल ट्रेनें तो चल रही है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट तो दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। हाँ, अभी तक इतनी ज्यादा है इसलिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो क्या कहा जाए, सरकार तो अपनी कर ही रही है, जो कहना है कि सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन निश्चित ही भीड़, लोग बहुत ज्यादा हैं आने वाले, इसलिए बहुत जद्दोजहद बहुत है। आप कहाँ के लिए जाएंगे? बनारस से? कहाँ के लिए? बनारस से जाएंगे हम, पहले बनारस थोड़ा घूमेंगे। अच्छा, पहले भी बनारस? हाँ, उसके बाद हम जाएंगे गोरखपुर। आप कहाँ से? हम जी सर, हम सिवान से हैं। अच्छा, सिवान से हैं। भीड़ थी ट्रेन में? नहीं नहीं, भीड़ नहीं थी, हम बहुत आराम से आए हैं। अच्छा, आपको आराम से? ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना ये है कि भीड़ काफ़ी है और इस वजह से सफ़र करने में काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विपिन, उसके लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।